भाई एकदम से दिन निकल गया ना, सेम लोकेशन पे डाउन टाउन कुछ ऐसा लगता है। सुबह सुबह, और सुबह के कितने बज रहे हैं? सुबह के बज रहे हैं 5:30। अपनी शक्ल थोड़ी देर में दिखाऊंगा। भाई यहीं से तैयार हो लिया ऑफिस से, जीन्स वीन सब बैग मार के ले आया था। बस अब ये रेडियो वापस देते हैं सिक्योरिटी का और चलते हैं। हाँ तो भाई छुट्टी हो चुकी है हमारी, अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, कर क्या रहा है, तो मैं आपको सबको समझा देता हूँ। अरे भैया यहीं कर रहेगा कंस्ट्रक्शन, रुको एक सेकेंड। हाँ तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है पीयूष और स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आपको पता चली गया होगा कैप्शन देख के कि कोई ना कोई तो पास हुआ है, ठीक है, और वो भैया पास हुए हैं। अब मैंने कैप्शन में सोच तो भी रखा कि पप्पू पास हो गया लिखूँगा, अगर वो गुस्सा करेंगे तो कुछ और रख देंगे, ठीक है। और अभी जहाँ से मैं CNTR दिखा रहा था वो मेरी जॉब है, मैं अभी समर ब्रेक चल रहा है मेरा, तो कैमरा हिल रहा होगा क्योंकि मैं बहुत तेज़ चल रहा हूँ, मेरे को जल्दी पहुँच रहा है। हाँ तो मेरी जॉब चल रही है सिक्योरिटी में, शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक होती है। अभी सुबह के 7:05 हो रहे हैं और मैं निकला हूँ, भैया मेरे को रास्ते में से पिक कर लेंगे। उनकी कॉन्वोकेशन के लिए हम जा रहे हैं जॉर्जियन कॉलेज, मतलब उन्होंने 2 कॉलेज में एडमिशन लिया था, पहला था उनका जॉर्जियन कॉलेज और दूसरा था सैनिका। तो सैनिका कॉन्वोकेशन कुछ दिन बाद है, अभी जॉर्जियन की, क्योंकि पिछले साल हुई नहीं थी कोविड के चक्कर में, तो इस साल हो रही है। तो कॉन्वोकेशन के लिए जाएंगे, अभी रास्ते में ही हैं, मैं निकल चुका हूँ जॉब से, रास्ते में से भैया मेरे को उठा लेंगे और किसी और को भी ले सकते हैं। भाई डाउन टाउन देख रहे हो, मेरा हॉस्पिटल ये वाला है, ये वाला किधर, ये वाला जो कांच वाली बिल्डिंग है ना, वो वाला। ये मैप है, मेट्रो ये दिल्ली में होता है, मेरे को भैया ने इस स्टेशन पर बुलाया है लॉरेंस वेस्ट पे, तो वो हमें यहाँ से मिलेगी। ये इस स्टेशन का नाम है क्वींस पार्क। क्वीन कहाँ पे है भाई, इसमें क्वींस क्या क्या है भाई? ए भाई, मैंने आज के व्लॉग के लिए आपका नाम पप्पू रख दिया है। अबे चल पप्पू, पप्पू पास हो गया भाई, मैं देखो मैंने कहा था अगर मान जाएंगे तो ठीक है, कैप्शन में लिख के देख लेंगे पप्पू पास हो गया मस्त एकदम। कि भाई मैं ही करूंगा सबसे पहले तेरे को अनसब्सक्राइब। भाई देखो सही नहीं है, पप्पू पास हो गया भाई, मैं इतनी बेकार किस्मत है ना, का बटन भी होता है उसे काउंट नहीं आते, रिपोर्ट भी तो कर सकते हैं। अरे भाई इतनी खराब किस्मत है ना, मैं वहां से सबवे में बैठा, 2 स्टेशन बाद ही उसने बोल दिया कि अगर आपको इससे आगे जाना है तो चेंज कर लो लाइन। अरे भाई बैठा है क्यों, तो पैदल चला जाता मैं इतनी दूर, तो उसने कहा कि यहाँ से यूनियन वापस जाएगी, अगर आपको इससे आगे जाना है तो आप वापस चले जाओ, मतलब वापस क्या ट्रैक चेंज करके दूसरी सब में बैठ जाओ। मैं कहा चलो भाई ठीक है। और भाई मेरी आज भी शाम को शिफ्ट है, मैं उनको भी कॉल कर रहा हूँ लगातार कि छुट्टी लेने के लिए, उठा नहीं रहा अभी बंदा, उठाएगा तो फिर बात करते हैं उससे। भाई हमारे बाकी साथियों एक साथी का ऑफिस है और दूसरे वाले साथी की शिफ्ट है, अब अपना हिसाब लगा लेना किसका ऑफिस है किसका शिफ्ट है, वर्डिंग से पता चल जाना चाहिए आप लोगों को, इतने ब्लॉग तो देखते होगे मेरे, तो इसलिए अभी मैं ये और कोई भी है, अभी एक और साथी है हमारा उनसे मिलवाएंगे, और हाँ इनके साथ अंकुर भैया भी हैं जो पास हुए हैं, उनकी भी कॉन्वोकेशन है पर वो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो उनको वहीं पर दिखाएंगे, मिलेंगे ना वैसे तो ऑब्वियस ही बात है, हाँ तो उनको वहीं दिखाएंगे। अभी तो किसी को पिक करने के लिए जा रहे हैं भाई, भजन से कॉपीराइट तो नहीं आएगा मेरी मेरे ब्लॉग में? आना तो नहीं भाई, कल रात मिठाई आई थी मैंने कहा पैक करके ले आना मेरे लिए, मेरी साइड ही कोट टांगना था क्या भाई, लेट कराया इन्होंने। ओ भाई क्या फेंका आपने, कपड़े? अच्छा चलो चलो भाई, आज ही लेट कराना था। अरे पीयूष क्या है, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा ना, ऐसे रियूनियन का ब्लॉग। कितने दिन बाद मिल रहे हो मैं आपसे? हफ्ते बाद। हफ्ते बाद कैसे भाई? 10 दिन हो गए। 10 दिन कैसे हो गए?
मैं जब से मेरी नौकरी शुरू हुई है मैं मिला ही नहीं हूँ किसी से। मेरे को छुट्टी भी नहीं दे रहे पता है। तो हम घूमने जा रहे थे भाई, तुम्हारे कारण हमारा प्लान कैंसिल हुआ है पता है। कहाँ जा रहे थे? कौन जा रहा था? वहाँ जा रहे थे ना हम, बर्लिंगटन। एक मिनट, क्या भाई? बर्लिंगटन जा रहे थे तो हम पीयूष रो जाता तो फिर हम गए नहीं। रो क्या जाता है ये पिछली बार पता है मेरे को छोड़। ये कौन लेके जाता है? तुम्हारी है? मेरे को मिल गया अभी। क्या है इसके अंदर? पानी। भाई भाई ये तो बड़ा अच्छा है भाई, इतना सुंदर ग्लास है देख रहे हो। इसके अंदर क्या भैया? पानी भाई, पानी है इसके अंदर। ये स्टारबक्स का है ना? या भाई देखो, स्टारबक्स ग्लास है, पानी। कौन ओकेशन है भाई? अरे भाई हमारे पीछे एक मिनट रुको, हमारे पीछे एक बंदा बैठा है ना। yes. इनकी भी कौन ओकेशन थी पर हम इनके साथ नहीं गए थे, मतलब ही लोग, और हम इनको अपने साथ लेके जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको ऐसे धोखा खा के? बहुत बुरा। आपको कैसा लग रहा है धोखा देके? अच्छा, ये कैमरा देख कैसे चुप हो जाता है ना, पता नहीं क्या हिसाब किताब है। अभी मैं इनको बोलूंगा ना कुछ बोलना, बोलेंगे मैं भैया बोलना कुछ। भाई मेरे को अभी तक छुट्टी अप्रूव नहीं हुई है, मेरी शाम की शिफ्ट है, लड़ाई होने वाली है मेरी। तुमने मेरे को भाई यहाँ पहुँचने में एक घंटा लग रहा है था भाई, और आगे इतना तगड़ा जाम लग रहा है ना, अभी दिखाएंगे भाई जाम दिखाना। इसको खोल के दिखाओ। हमारा मेरा कंटेंट अच्छा ऐसे ही होगा। जाम दिख रहा है लोगों? नहीं दिख रहा? आगे स्पेस देखिए, इधर काट के लाता क्यों नहीं है? किसका वेट कर रहा है? ये ला भाई इधर काट के। बंद कर दो, बंद कर दो। क्यों, क्या हो गया? खुली रहना, अच्छा मौसम दिखाना। जाम बाहर निकल के, बाहर निकल जाए बेल बोल के। ए भाई ये लेना, लो लो दे। हाँ लो, इसे गिराना मत ठीक है, चल रहा है। ओ सॉरी, मैंने अपने हाथ आगे कर दिए। ओ आग लगी आगे, शिट। धुआं देखो कितना काला लगा है, और पुलिस वाले को देखना जरा, चला गया दिख ही नहीं रहा है। आग लगी आगे भाई, अब तो तुम लेट हो भाई। वो धुआं दिख रहा है आप लोगों को, वो छोटा ये, अरे जूम कर लेते ना भाई, ये देखो ये रहा भाई, ये वाला धुआं इधर से इस चक्कर में। ये क्यों खोल रही हो? इसको बोल रही हूं इधर दिखा दे। अरे नहीं नहीं ठीक है ठीक है, दिख गया। पीछे आ, मेरे को आगे आने दे भाई। ये बनाई अपनी, मेरे को इतना सपोर्ट मिल जाता ना व्लॉग में तो मैं अब तक हजार सब्सक्राइबर पूरे कर देता अपने। कोई खिड़की में तो निकल के व्लॉग बना दे मेरे लिए। बना रही थी मैं भाई, मैं बैठा हुआ सीट बेल्ट लगा रखी है। पीछे नहीं, पीयूष बेगल खाएगा? लो मफिन है, सॉरी। देखो हमारी कोई गलती है ही नहीं इसमें ठीक है। बेगल खाए भाई, बेगल खाएगा पर मफिन है हमारे पास। जा बेगल खा, जा बेगल खा लो भाई। भाई एक घंटा से ज्यादा लगेगा इसमें क्योंकि आग लगी है आगे। अभी आगे चल के ना आपको आग जरूर दिखाएंगे, कुछ दिखाऊं पूरे ब्लॉग में ना, देखो आग दिखाऊंगा। एम्बुलेंस आ गई, तो दिख नहीं रही, आवाज आ रही है ना। नहीं तुम मत हो, उधर से जाएगी वो। हाँ भाई, ओ इधर से जा रही है, इधर 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 इधर। हाँ पता है मुझे, इसको बता रही हूँ मैं। अच्छा चली गई वो। किसी की आग लग गई, इनको साला वीडियो बनाना है भाई। पता है वीडियो के लिए बोल रही थी कि चली किधर देखो। ये भगवान, इन्होंने गाड़ी में हल्ला काट दिया, एम्बुलेंस इधर 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 से। देखो मैं हेलीकॉप्टर भी है ऊपर भाई, हेलीकॉप्टर है ऊपर। यार रुक जा एक मिनट, एक मिनट। वो भी रेड कलर का है, रुको एक मिनट। ओ भाई दो कहां है? नहीं एक प्लेन है। खिड़की क्यों खोल रही हो भाई? देख रही हूँ भाई, हमारी गाड़ी के शीशे पे कुछ भी नहीं चढ़ा हुआ। हेलीकॉप्टर पानी डालेगा वो, ऐसा करो सब... मेरे को ये विंडशील्ड, ये क्या खोल रही हो? गाड़ी के लिए फिर विंडशील्ड वाली। ये अगर ब्लॉग में आया ना मार खाएगा। ये तो आएगा भाई, मैं अभी आपको तो समझाता हूँ। पैलेडिन को बदनाम करेगा भाई, मुझे नहीं पता कौन है ठीक है। कॉन्वोकेशन छोड़ देते हैं, सड़क का व्लॉग बनाते हैं गाइस। व्लॉग चेंज, कॉन्वोकेशन कैंसिल, पप्पू पास होता रहेगा, पर अभी सड़क की बात करते हैं।
आज व्लॉग है आपका, आज ही रखा मैंने अभी गाड़ी में बैठती ऐसी कौन ही मारूंगा दोबारा। मैं तो सोच रही थी जब वो आते हैं सारे कॉन्वोकेशन वाले बच्चे लेके, मैं सोच रही थी कुमार चौहान चिल्लाऊंगी जोर से, इसलिए तो हम आए, वरना तो हम अपनी पागल थोड़ी है। शाम के 7 बजे सुबह के 7 बजे तक काम करें, आपकी गाड़ी में। ये रहा हेलीकॉप्टर दूसरा वाला जो उधर था, यहाँ बन नगर। ये रहा। अरे ठीक है भाई, थोड़ा नीचे लिया व्लॉग में आ जाएगा, 500 लोग देखेंगे तेरे को। देखा मैं इसलिए मैं इनके सपोर्ट में रहता हूँ, मैं इनको लेके आओ क्योंकि व्लॉग में जान आ गई होगी गाइस बहुत ही ज्यादा। अब इनको भी उतार देंगे ना सड़क के हम साइड में, और मजा आ जाएगा एकदम। ज्यादा बकवास की तो उतार देंगे। ओ भाई एक मिनट रुक जा यार, फिर कौन तू, तुमने बंद ही क्यों किया? क्या आवाज सुन लो, हेलीकॉप्टर की आवाज सुना भाई, गाइस ऐसी आवाज आ रही है ठीक है। उन्होंने तो कभी सुनी ही नहीं जैसे हेलीकॉप्टर की। गंदा एक्सीडेंट हो रखा है। कहां हो रखा है, बना सकते हैं ना वीडियो इनकी? हां बना ले, कोई दिक्कत नहीं। सस्पेंस क्या मिलेगा? कंटेंट। कैमरा का कैमरा धीरे। ओ भाई भाई मर्सिडीज में आग कैसे लग गई? दूसरी गाड़ी आई नहीं, इसी में आग लग गई है बस। ओ शिट इतना गंदा। भाई देखो ये वीडियो बना रही है, इन्होंने वीडियो अभी स्टार्ट करी है। ओ शिट भाई तो गाड़ी निकल गई ना पीछे। ये कह रहा था कि मैं ही बना दूं मिल जाएगी। ये मेरे को वीडियो देने वाले थे, कह रहे मैं तेरे को भेज दूंगी बहुत अच्छी बनेगी। मेरा दीदी छोड़ो भैया। भाई देखो सिर्फ उसके चक्कर में इतना लंबा जाम लग रहा था, अभी एकदम खाली सड़क है, एकदम 26 मिनट का रास्ता आ रहा है। 900 लोग हैं भाई, बहुत तेज चला रहे भाई। दिखाओगे दोबारा? भाई हम पहुंच चुके हैं फाइनली, कॉन्वोकेशन वहाँ हो रही है वो, ये बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर, और हमारे भैया तैयार हो रहे हैं कोट वोट पहन के। ए भाई इधर देखने, इधर देखो सही से एकदम तैयार हो गए, इधर आए नियर बस। भाई भीड़ कुछ ज़्यादा लग रही है देखने में तो, सबकी कॉन्वोकेशन होगी, हम अकेले थोड़ी आए हैं। क्या उसके अंदर में जाके प्रोफेशनल व्लॉगर बन पाऊँगा? क्या मैं कर पाऊँगा अच्छी शूटिंग? पता नहीं भाई, पैराडाइन वाले भी तैयार हो गए। अंकुर भैया कितने में आ रहे हैं पूछ लो, आने वाला होगा, फ़ोन कर लो। भाई देख रहे हो जिसकी कॉन्वोकेशन है, पूरी तैयारी से आए भाई घर से, कैमरा वैमरा लेके। अभी भाई ये मेरे सर पर टांग देंगे तो व्लॉग व्लॉग कंटिन्यू करेंगे ये, ठीक है भाई? व्लॉग बनाना है, 336 लोग देख रहे हैं आपको। ओ 536 पता, और कम फॉलोअर्स हो जाए। ये हाय बोलना है पहले, इनका नाम सुचेता है। अच्छा, 536 लोग देख रहे हैं भाई, ऐसे कैसे? और अंकुर भैया कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। हेलो हेलो, यू आर अबाउट टू गेट फेमस। 536 लोग, 500 लोग तो देख ही लेंगे गाइस। फोटो नहीं बोला नहीं भाई, कैसा लग रहा है? डिग्री लेके मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। एक करके दिखाते हैं, चलो जाके दिखाते हैं, उड़ा के दिखाता हूं, डिग्री लेके दिखाता हूं। तेरी परसेंटेज कितनी आई थी? ए भाई आप क्या ढूंढने में लगे हो? मैं तो स्पेशल ढूंढ रही हूं। जैसे बोल के नहीं बताते, बिना बोले कैसे बताओगे? भाई जहाँ कॉन्वोकेशन होने वाली है वो, भाई ये क्या है? कहाँ बैठना सर? उधर क्यों? वो स्क्रीन है ना ऊपर वाली, हर एक साइड पे लगी है। पहले एक चीज डिस्कस कर लेना फिर बताऊंगा। तो भाई प्लान में थोड़ा चेंज, हम दूसरी साइड से जा रहे हैं जहाँ से फोटो हमारी, मतलब हम अच्छी फोटो खींच पाए और हमें थोड़ा अच्छा सा व्यू मिल जाए। तो उन्होंने खुद ही आके हमें बता दिया कि आप घूम के चले जाओ तो आप थोड़ा क्लोज भी हो जाओगे और आपको फ़ोटो खींचनी होगी तो आप अच्छी फ़ोटो खींच भी पाओगे। तो इस चक्कर में पूरा घूम के जा रहे हैं ताकि अच्छी फ़ोटो खींच पाएँ। भैया तो वहीं से आप चले गए थे उधर से अंदर, भाई पर ऑडिटोरियम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा,
अभी सही से जाके देखेंगे अभी तो जल्दी जल्दी में, क्योंकि सीट भरना जाए, क्योंकि हमारे आगे भी लोग हैं। मेरा साथी कहाँ गया? मेरा साथी पीछे रह गया, एक मिनट रुको। From the project management program, Rishab Chawan with honors. Kesha Manish Doshi. Susheta Karande. With honors. Woohoo! From the Tourism Marketing and Product Development Program, Pooja Soni with honors. Lasting impression. Congratulations. Thank you. भाई हमारे साथ का एक बच्चा मान के नहीं ले रहा है, इसमें कम से कम दिखते रहा है, उसकी शक्ल भी अच्छी है, उसकी शक्ल अच्छी है। हेलो, थैंक यू। कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई है, हम बारह ही खड़े हो गए हैं टेडी बियर के साथ। ए वैसे ए भाई ये लोग देख रहे हैं मेरे को, और भाई मैंने चश्मा इसलिए पहन लिया क्योंकि मैं ना इससे फोटो खींच रहा था, तो मेरे साथ दिक्कत क्या आ रही थी कि मैं एक आंख बंद कर रहा था ना तो मेरे को ब्लर दिख रहा था, क्योंकि मेरी एक आंख की आई साइड वीक है राइट वाली की, तो इसलिए मुझे चश्मा पहनना पड़ा ताकि फिर मैं सही से ऐसे करके फोटो खींच पाऊँ। अभी लोग मेरे को बेवकूफ़ समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी समझ रहे होंगे। मैं अपने सर पर लिखवा लेता हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ, देख रहे हो भीड़। और मास्क किसी ने नहीं पहन रखा है, पर ठीक है मैंने भी नहीं पहन रखा है, तो मैंने नहीं पहन रखा तो कोई भी ना पहने तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आइस। और भाई लोग कैसे हो? किसके में आवाज आता है? नहीं मतलब सुना नहीं, क्योंकि मैं दीदी की फोटो खींचने में बिजी था। भाई को मैं तो चिल्लाया था, मैं $200 की देता। अच्छा सुनो भाई, भाई जो भी उठाओ ना ज्यादा से उठाना। अबे कुछ नहीं खाने का, पॉपकॉर्न खाएगा। भाई भाई जो भी उठाओ ज्यादा से उठाना, ठीक है? गुरु तुम भी तो ले सकते हो, हमें क्यों बोल रहे हो? हमारे मेरे तुमने पहले तुमने उतार दिए। भाई भाई ये कॉन्वोकेशन हो चुकी है डन। अब मैं बहुत तेज चिल्लाया, बहुत तेज, इतनी तेज मैं कभी नहीं चिल्ला सकता अपनी जिंदगी में। नहीं चिल्लाया, आवाज ही नहीं आई। भाई आपने क्लिप देखी है ना जब ये आए थे, मैं चिल्लाया था इनके बारे में, मैं नहीं चिल्लाया। भाई मैं फोटो खींच रहा था कसम से, हम कैमरा पकड़ के चिल्ला रहा, हम पता है चार लोग थे जब चिल्ला रहे थे तो कैमरा, हम चार लोग थे जिसमें से एक हमें धोखा धोखी भाग गया था पहले ही। नहीं मैं तो अच्छी वीडियो लेने गई थी, मैंने गलत बात की, वीडियो निकाली है। मेरी बारी में नहीं चिल्लाया, छोड़ के जाएंगे तुम्हें। भाई सच में भाई अच्छी वीडियो पहले दिखाऊंगा भैया को। भाई मैं सच में बहुत हल्का चिल्लाया था, मैंने ऐसे किया था। भैया आप दीदी के चक्कर में रह गए, किसे अच्छे से जानता मुझे दीदी को, पर दीदी दीदी पहले आ गई ना, दीदी पहले आ गई। मैं क्या करूं, दीदी से अपनी सीट से एक्सचेंज कर ली वहां पे, दीदी इतनी प्यारी लग रही थी कि वो अपनी पोजीशन में बस गुम हो गया। एक मिनट, फोटोग्राफर हूं मैं। भाई पहुंच गए हैं, एक रेस्टोरेंट है तंदूरी किंगडम नाम का, अंकुर भैया भी यहीं पे आ रहे हैं, भूख लगी है सुबह से, तो कुछ नहीं खाया है अपना, वही रात को जॉब पे डिनर किया था उसके बाद कुछ नहीं। ये है भाई रेस्टोरेंट तंदूरी किंगडम। घंटा लग रहा है भाई, 2:15 हो रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है घर पहुंचने में, बस 7 बजे तक इतना मेरे को आइडिया है कि शिफ्ट है, क्योंकि वो कैंसिल नहीं हुई है अभी तक, तो बिना घर जाए वापस शिफ्ट पर कैसे जाते हैं आज हम इस ब्लॉग में देखेंगे। शिफ्ट में सोऊंगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, बस शिफ्ट में नहीं सो सकते भाई, 12 घंटे की शिफ्ट है, इसलिए मैं आँख बंद तेरे गधे की तरह सोऊंगा।
भाई ब्लॉग अभी तक चल रहा है तो समझ गए होगे कि छुट्टी नहीं मिली, तो शाम की शिफ्ट थी तो 6 बज रहे हैं अभी निकल चुके हैं। मतलब मेरी तो शिफ्ट थी, मेरे को छुट्टी लेनी थी, इनकी भी शिफ्ट थी पर इन्हें छुट्टी नहीं लेनी थी क्योंकि इनको जानना ही था, ये कह रहे थे मैं उठ के चला जाऊँगा। तो मैं गाड़ी में ही सो गया था, 40-50 मिनट गाड़ी में सोया, घर आके 2 घंटे सो के, और नाइट शिफ्ट के लिए कल छुट्टी है तो कल पूरा दिन आके आराम से सोऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी जा रहे हैं, यूजुअली मेरे को यहाँ से 1 घंटा 20 मिनट के आसपास लग जाते हैं पहुँचने में, पर अभी स्टेशन छोड़ देंगे तो आधे घंटे के आसपास, मतलब आधे घंटा क्या 15 मिनट के आसपास बच जाएगा, तो शायद टाइम से पहुँच जाऊँगा शायद। तो भाई आप कहोगे ब्लॉग कहाँ से कहाँ ले आया और किस चीज़ के ऊपर बना रहा था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। भाई पिछले 48 आवर्स में मैं सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ, तो मेरी शक्ल अजीब सी दिख रही हो या कपड़े तो गंदे नहीं है भाई, कल ही पहनी थी मैंने, तो मैं आज इसी को पहन के चला गया। तो जज मत करना, सीधी सी बात, मुझे कल छुट्टी का अप्रूवल नहीं मिला क्योंकि मेरी ही एक गलती थी। हमारे यहाँ पे होता है कि आप सिक्योरिटी की जॉब में आप लीव ले सकते हो पर आपको किसी को अपनी जगह भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, 1 महीना हुआ है, तो मुझे कोई मिला नहीं इतनी जल्दी, तो इस चक्कर में मेरे को छुट्टी नहीं मिल पाई। अब सीन क्या है कि मेरी कल की भी छुट्टी है और मेरी छुट्टी परसों की भी है, परसों की थी नहीं, परसों की शिफ्ट थी पर मैं लेके आया हूँ, ठीक है। मेरे को छुट्टी चाहिए भाई, मेरे को सोना है, तो मैंने आज ही एक को पकड़ा, मैं कहा सुन भाई अभी साइन कर, और उससे ऑन द स्पॉट साइन करवाया और 14 और 15 की छुट्टी ली, मतलब 14 की थी, 15 की नहीं थी तो 15 की भी ले ली। तो ये ब्लॉग था कॉन्वोकेशन के ऊपर वैसे, पर मेरी छुट्टी के ऊपर ज़्यादा बन गया क्योंकि छुट्टी मिली नहीं, जिसका मेरे को बहुत ज़्यादा दुख था कि यार मिल जाती तो अच्छा था यार, वहाँ से आए खा पी के, और मैं खाना भी सही से नहीं खा पाया क्योंकि मुझे टेंशन ही उस चीज़ की थी कि शिफ्ट पर जाऊँगा कैसे। पर एक बात है जो रियल है, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई भाई शिफ्ट पर, बिल्कुल लिटरली बिल्कुल नींद नहीं आई, 1% नींद नहीं आई, कि मेरे को लग रहा था कि मैं सोऊंगा सो जाऊंगा कहीं पे ऐसे झूमता हुआ चलूंगा, पर मेरे को अपने ऊपर गर्व है। आज जो बंदा 12-12 घंटे सोता था वो 3 घंटे सो के, लिटरली 3 घंटे सो के शिफ्ट कंप्लीट करके आ गया है। तो भैया का कॉन्वोकेशन भी हो चुका है, अब उसकी बात कर लेते हैं। ये जॉर्जियन कॉलेज का था एक, उनका सैनिका का भी होने वाला है अभी कुछ दिन बाद ही, जुलाई के एंड में है, वहाँ का ब्लॉग क्या ही बनाएंगे पर देख लेंगे। हमारे हिसाब से सैनिका का ज़्यादा अच्छा होगा जॉर्जियन से। कॉन्वर्सेशन ठीक थी, बढ़िया थी, बाकी ज़्यादा तो कुछ था नहीं इस ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग शायद अच्छी हुई होगी क्योंकि मैं दीदी और भैया जब मिल जाते हैं तो हंसी मजाक तो खूब ज़्यादा होता ही है ब्लॉग में। अब बाकी मेरे को फ्यूचर की एक बात करनी है कि मैं सोच रहा हूँ कि आगे थोड़ी सी वीडियोज़ ऐसी बनाऊँ जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन वाली हो, ब्लॉग्स नहीं लिटरली इन्फॉर्मेशन वाली, क्योंकि मुझे 1 साल हो जाएगा कनाडा में आए हुए अभी 2 महीनों बाद, तो इतनी नॉलेज तो हो ही गई है कि हाँ भाई क्या सामान कैसे आना चाहिए क्या करना चाहिए आते ही ब्ला ब्ला जो 100 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊँ बैठ के, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। तो उसके लिए चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। पीस आउट।